हाय, हमने लास्ट या प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर्स के टाइप क्या होते हैं, जैसे जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स, ये सारी क्वांटिटी देखा था। हमने साथ ही डिफरेंस देखा था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, साथ ही साथ स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है ये भी देख लिया था। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर का सेकेंड लेक्चर, जो कि मोशन इन अ प्लेन का भी सेकंड लेक्चर होगा, क्योंकि मोशन इन अ प्लेन का ही एक पोर्शन है वेक्टर, राइट, जो कि आपका फोर्थ चैप्टर में आता है। तो आज हम देखेंगे इसमें कि एडिशन ऑफ वेक्टर में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अगर आपको वेक्टर को एडिशन करना है तो उसमें कौन से टाइप्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड है जिसे हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी कह सकते हैं, और दूसरा होगा एनालिटिकल मेथड। नाम में ही चीजें छुपी होती है, मैं हमेशा कहता हूं ग्राफिकल मेथड मीन्स जो आप ग्राफ से बनाओगे, आप जिसे ड्रॉ करके बनाओगे, राइट, वो मेथड कहलाएगा आपका ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड वो होगा जिसमें आप कैलकुलेशन करोगे, कुछ फॉर्मूलेस होंगे, वो फॉर्मूले पुट करोगे, वैल्यूज फाइंड करोगे, वो कहलाएगा आपका एनालिटिकल मेथड। अब यहां पर हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड में तीन टाइप्स है जनरली। अगर आपको दो वेक्टर्स है, पहले देख लेते हैं इसमें तीन टाइप्स कौन कौन से हैं। एक होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, एंड तीसरा आएगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। ये तीन लॉज होते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ये जो दो क्वांटिटी, अगर दो वेक्टर है, टू वेक्टर्स है, दोनों में एडिशन करना है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई होगा। यहां पर भी दो वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पर भी अप्लाई होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, एंड यहां पर मोर देन टू यानी 3, 4, 5, 6 ऐसी कुछ वेक्टर क्वांटिटीज है, उनको हमें एडिशन करना है तब अप्लाई होगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है ये तीनों भी? तो हम ये दोनों को पहले देखते हैं। इन दोनों में क्या होता है कि दो वेक्टर्स रहे तो हम दो वेक्टर्स को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उस पर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी अप्लाई कर सकते हैं एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक मुझे वेक्टर गिवन है ए, ए वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करेंगे, या ए बार भी लिख सकते हैं या ए एरो भी लिख सकते हैं, राइट, देन ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर मुझे गिवन है इस तरीके से बी वेक्टर, राइट, बी वेक्टर गिवन है, और ये जो बी वेक्टर है एक एंगल पे है जो कि थीटा है, ये एंगल है। दोनों को मर्ज कर सकता हूं मैं, या इसको मैं यहां ले जाके यहां शिफ्ट कर दूंगा, या इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा। मैं इसे शिफ्ट करूंगा, शिफ्ट में ए वेक्टर को जैसे कि वैसे रहने देता हूं, देन ये वेक्टर को मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, है ना, इस तरीके से एंगल बनाएगा। यहाँ के अलावा पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ, इसे इस तरीके से भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा वेक्टर बी। यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ, मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया, ये हो गया वेक्टर ए एंड ये हो गया वेक्टर बी। ये एंगल क्या था? ये एंगल आपका थीटा था, राइट, ये एंगल क्या था? थीटा था। ये थीटा एंगल पे मैंने बी को शिफ्ट कर दिया। देन यहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है वो देख लीजिए। जब स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी चीज को जब हम ऐसे लिखते हैं, ये देखिए ये एक के पीछे एक चीजें जुड़ी हुई है ना, ये देखिए इसकी जो दुम है, इसका जो हेड है, ये हेड आगे है, फिर दुम हेड, फिर दुम हेड, इस तरीके से आगे जा रहा है। मतलब आप देखकर बता सकते हैं सिक्वेंस, देखिए ये चीज आगे गया वेक्टर, फिर उसके आगे दूसरा वेक्टर, उसके आगे, अगर ये ऐसा होगा तो ये कुछ एबनॉर्मल सा है ना। अगर ये चीज ऐसी होती है या फिर ये ऐसी होती है तो ये भी कुछ एबनॉर्मल सी है। मतलब एक ही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहा है, जिस तरीके से यहां पर बनाया मैंने, जिस तरीके से यहां पे बनाया है, तो आपको सिंपल एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए बनाना है। तो यहां पर तो दो ही वेक्टर्स है, तो दोनों वेक्टर को हम कैसे बनाएंगे? ट्रायंगल लॉ में एक के आगे एक, एक के पीछे एक, ऐसा बोल सकते हैं। ये देखिए पहला इधर गया, फिर दूसरा यहां से निकल के इधर गया, ये डायरेक्शन हो गया। तो हमें ये करना है, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें इसे ट्रायंगल बना देना है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को जोड़ देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट बोले तो ये हो गया, एंड पॉइंट बोले तो ये हो गया, यहां से ऐसा गया, फिर यहां से ऐसा गया। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंड पॉइंट ये हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दिया,
राइट right? इसका डायरेक्शन भी स्टार्टिंग टू एंड रहेगा। डायरेक्शन क्या रहेगा, स्टार्टिंग से होके एंड पे जाएगा, ये होगा इसका डायरेक्शन। राइट तो ये मिला मुझे एक तीसरा वेक्टर। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट को जोड़ दिया, उसका डायरेक्शन भी स्टार्टिंग टू एंड जाएगा, वो कहलाएगा हमारा तीसरा वेक्टर। देन तीसरे वेक्टर को हम डिनोट करेंगे आर से, वेक्टर आर। ये होता है रिजल्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू दोनों को मर्ज करके जो वैल्यू मिलेंगी वो कहलाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का एक सिंपल डेफिनेशन दे देता हूं मैं कि एक फोर्स है, एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पर बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो जहां पर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा उस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करेगी, राइट। यहां पर अगर 10 न्यूटन है और यहां पर 5 न्यूटन है, यहां पर 2 है, बॉडी कहां मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन 10 न्यूटन की वजह से मूव करेगी क्या, नहीं, उसको अपोज करने वाला ये 5 न्यूटन है। मैं एग्जांपल के अंदर में ये दोनों फोर्सेस हटा ही देता हूं अगर, तो यहां पर आपको और इजी हो जाएगा। यहां पर 5 न्यूटन, यहां पे 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन जहां पे ज्यादा फोर्स है वहां पर बॉडी मूव होगा, सरकेगा, लेकिन 10 न्यूटन की वजह से सरकेगा क्या, नहीं, 5 न्यूटन की वजह से, क्योंकि ये 5 न्यूटन क्या हो रहा है, इसको काट दे रहा है, 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन कट जाएगा, तो यहां पे सिर्फ 5 न्यूटन की वजह से बॉडी आगे बढ़ेगा, ये डिफरेंस होता है। तो ये होता है, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 10 माइनस 5 कितना आ रहा है, 5 न्यूटन। तो बॉडी कितने न्यूटन की वजह से आगे बढ़ रहा है, सिर्फ 5 न्यूटन की वजह से, वो होता है रिजल्टेंट। सारे फोर्सेस का हमने कैलकुलेशन किया, प्लस माइनस जो भी होगा, और उससे हमें एक रिजल्टेंट फोर्स मिला, मतलब वो पूरे सिस्टम पे जो एक फोर्स अप्लाई होने वाला है सारे फोर्सेस का मिला के, वो कहलाएगा रिजल्टेंट। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये फोर्स होता है रिजल्टेंट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को किया तो हमें एक रिजल्टेंट मिल गया। ये होता है ट्रायंगल बन रहा है हमारा, यहाँ पे जब हम रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए ये कहलाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। उसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। देन यहां पर भी सेम चीज है, एक ए वेक्टर है राइट, और एक सेम एंगल पे बी वेक्टर है थीटा राइट। तो हम इसे भी शिफ्ट करेंगे, यहां पर शिफ्टिंग थोड़ी सी अलग रहेंगी, थोड़ा सा माइनूट डिफरेंस रहेगा शिफ्टिंग में। ए वेक्टर जैसा का वैसा रहेगा, बी वेक्टर यहां शिफ्ट करेंगे हम, वेक्टर बी कहां शिफ्ट किया, जिस तरीके से हमने यहां से इस वेक्टर को आगे शिफ्ट किया था, हम यहां पर इसके बाजू शिफ्ट कर रहे हैं। ये ए वेक्टर जैसा का वैसा, बी वेक्टर को शिफ्ट किया हमने इसी के बाजू, ये वाले एंगल को हमने थीटा दे दिया। इसके पहले वाले प्रीवियस केस में क्या किया था हमने, एक के पीछे एक शिफ्ट किया था, अभी हमने एक के पीछे एक शिफ्ट नहीं किया, दोनों के टेल से टेल को जोड़ा है राइट। दोनों के टेल से टेल को जोड़ा है, मतलब इसकी ये जो दुम है इस वेक्टर की और इसका जो टेल है या दुम है, दोनों को जोड़ा है, और यहां पर ये एंगल थीटा का थीटा ही है। देन इस तरीके से मैंने यहां पर जोड़ दिया, शिफ्ट कर सकता हूं मैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर मैं इस वेक्टर के पैरेलल में एक लाइन ऐसे बनाता हूं, ठीक है, सेम, और इस वेक्टर के भी पैरेलल में एक लाइन बनाता हूं इस तरीके से सेम, ठीक है, और ये जो पॉइंट मिलता है मुझे अभी, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम बनने के बाद में ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो एंगल वाला पॉइंट है और ये जो नया पॉइंट मिला है, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो ये कहलाएगा मेरा रिजल्टेंट, ये कहलाएगा आर रिजल्टेंट राइट। तो ये कहलाएगा रिजल्टेंट। क्या किया हमने, दो वेक्टर थे, दोनों वेक्टर से पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया है, उस लाइन से जो पॉइंट मिला है जहां पर दोनों भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन पे, तो वहां से इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया है, वेक्टर यहां से इस एंगल वाले पॉइंट से इस डायरेक्शन में रहेगा, वो कहलाएगा रिजल्टेंट आर। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके चार साइड्स होते हैं, अपोजिट के दो साइड्स हमेशा पैरेलल रहते हैं, इसलिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हो सकता है कि आपका फिगर ऐसा हो, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि देखिए अपोजिट के दोनों साइड पैरेलल है ना, एक दूसरे के, यहां पर भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये होता है पैरेललोग्राम। तो ये क्या बना रहा है, यहाँ पे पैरेललोग्राम बना रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। तो यहां पर जो बीच से वेक्टर निकलेगा वो कहलाएगा रिजल्टेंट आर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया अभी आपको, कि यहां पर कैसे फाइंड करेंगे, दो वेक्टर यहां पर भी थे उनका रिजल्टेंट निकाला, दो वेक्टर यहां पर भी थे उनका रिजल्टेंट निकाला। यहां पर अब देखना है हमें कि रिजल्टेंट तो पता चल गया मुझे, यहां पर देखिए, यहां पर मुझे पता है कि भैया 10 न्यूटन यहां है, 5 न्यूटन यहां है, तो बॉडी 10 न्यूटन की वजह से आगे नहीं बढ़ेगा, 5 ही न्यूटन की वजह से आगे बढ़ेगा, ये 5 न्यूटन उसमें से माइनस हो जाएगा, ये मुझे पता है
लेकिन बॉडी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, जहां ज्यादा फोर्स होगा है ना, इसलिए मुझे पता है कि इसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है। लेकिन हो सकता था कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करे, अगर इस पे ज्यादा फोर्सेस रहते, यहां पर एक 20 न्यूटन भी रहता, तो बॉडी कोई और डायरेक्शन में मूव करता, शायद बॉडी इस तरीके से इंक्लाइन होकर ऐसा आगे बढ़ता, राइट। अगर यहाँ पे 20 न्यूटन से भी कोई खींचा होता तो बॉडी ऐसा होकर इंक्लाइन होकर भी आगे बढ़ सकता था। तो क्या होगा, हम कब कहेंगे कि उसका डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, जब हमें उसका एंगल पता चलेगा। मतलब मुझे पता है कि भैया 0 एंगल पे बॉडी आगे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, 0, तो मतलब वो है ईस्ट की तरफ। ये 0 एंगल बना रहा है तो ये है ईस्ट की तरफ। 90 डिग्री बॉडी एंगल बना रहा है तो वो है नॉर्थ की तरफ। 180 डिग्री एंगल बना रहा है तो बॉडी कहाँ मूव कर रहा है, मेरा वेस्ट की तरफ। और 270 डिग्री एंगल बना रहा है तो वो मूव कर रहा है साउथ की तरफ। मतलब सारी चीजें एंगल पे डिपेंड करती है। मेरा रिजल्टेंट तो पता चल गया मुझे, लेकिन ये नहीं पता चला कि रिजल्टेंट का पोजीशन क्या है। पोजीशन क्या है, कैसे पता चलेगा पोजीशन? डायरेक्शन तो ये है, लेकिन कैसे पता कि पोजीशन क्या है? एक फोर्स इधर था, एक वेक्टर इधर था, एक वेक्टर इधर था, इनके बीच में से कहीं से वेक्टर निकल गया, लेकिन उसका पोजीशन कैसे पता चलेगा? जब जो बीच में से जो रिजल्टेंट निकला है उसका एंगल अगर मुझे पता चल जाता है, अगर एंगल पता चल जाता है, तो मैं एग्जैक्टली कह सकता हूं कि इस डायरेक्शन में इतने एंगल पे मेरा रिजल्टेंट है। कब मैं कहूंगा पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, एग्जैक्टली कब बता पाऊंगा? अभी मैं आधा अधूरा बता पा रहा हूं कि इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट है। तो इस डायरेक्शन में 45 डिग्री पर भी हो सकता है, 30 डिग्री पर भी हो सकता है, 60 डिग्री पर भी हो सकता है। तो अभी मैं एग्जैक्ट पोजिशन नहीं दे पा रहा हूं। यहां पर भी सेम चीज, मेरा इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट है, लेकिन कितने डिग्री पर, सही पोजीशन मैं नहीं बता पा रहा हूं। तो मैं कब बता पाऊंगा सही पोजीशन? जब मैं उसका एंगल बता दूंगा। मुझे इस रिजल्टेंट का एंगल पता चल गया तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि इतने डिग्री पर इस डायरेक्शन में मेरा रिजल्टेंट है। तो क्या होगा, ये जो डिग्री है, रिजल्टेंट का जो एंगल होता है उसे डिनोट करते हैं हम अल्फा से। तो अगर हमने अल्फा निकाल लिया मतलब रिजल्टेंट का पोजीशन निकाल लिया। यहां पर भी सेम चीज, हमने अल्फा निकाल लिया मतलब रिजल्टेंट का एंगल, रिजल्टेंट का एंगल या उसका पोजीशन निकाल लिया, तो हमें ये होता है गिवन अल्फा, राइट। तो हमने अभी देख लिया कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, दोनों से कैसे, टू वेक्टर्स गिवन है तो दोनों से रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसकी पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं।